अरविंद केजरीवाल को नहीं रहा कुमार और आशुतोष पर विश्वास। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और सुशील गुप्ता को राज्यसभा के लिए पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। इस घोषणा के साथ ही कवि हृदय कुमार विश्वास का दिल टूट गया। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और राज्यसभा टिकट के प्रबल दावेदार कुमार विश्वास ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी की ओर से उद्योगपति सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को आंदोलनकारियों की आवाज और महान क्रांतिकारी बताया गया है। इसको लेकर वे अपनी शहादत स्वीकार करते हैं। कुमार विश्वास ने ये भी कहा कि पार्टी में सब कुछ अरविंद केजरीवाल के इशारे पर होता है और उन्हें सच बोलने की सजा दी गई है। आइए देखते हैं कुमार विश्वास की जुबानी। हमारी पार्टी में पीएसयू के अंदर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे नेता और मेरे मित्र अरविंद भाई के कई निर्णय, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे आंतरिक भ्रष्टाचार से हाथ फेरना हो, चाहे पंजाब में अतिवादियों के प्रति सॉफ्ट रहना हो, चाहे टिकट वितरणों में गड़बड़ियां बनी, पारदर्शिता में जिसकी शिकायत हो, कार्यकर्ता की उपेक्षा हो, चाहे सैनिक का विषय हो, चाहे जेएनयू का विषय हो, मैंने जो जो सच बोला आज उसका पुरस्कार दंड स्वरूप मुझे दिया गया, जिसके लिए मैं स्वयं का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि ये नैतिक रूप से एक कवि की, एक मित्र की, एक सच्चे आंदोलनकारी और क्रांतिकारी की थी। साथ ही मैं पिछले 40 वर्ष से मनीष के साथ काम कर रहे, 12 वर्ष से अरविंद के साथ काम कर रहे, 7 साल से कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहे और 5 साल से लगातार आम आदमी पार्टी के हर विधायक के लिए रैलियां कर करके, ट्वीट कर करके, मीडिया में बहस कर करके जिन्होंने पार्टी को आज खड़ा किया है, ऐसे महान क्रांतिकारी श्री सुशील गुप्ता जी को आंदोलनकारियों की आवाज राज्यसभा में भेजने के लिए अरविंद जी ने चुना है। इसके लिए मैं अरविंद जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने क्या शानदार चयन किया है। कार्यकर्ताओं को भी लाखों लाखों बधाई कि आखिरकार आपकी बात सुनी गई आपके कार्यकर्ताओं द्वारा, स्वराज के माध्यम से, पारदर्शिता के माध्यम से, और एक महानतम व्यक्ति को जिसने लगातार काम किया उसको यहाँ भेजा। ऐसे ही लगातार आंदोलन के लिए और अपने छोटे भाई बहन जैसे विधायक साथियों के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी कार्यकर्ताओं के लिए चिंतित रहे। कोई एक श्री एनडीएनएल, क्या नाम है, दूसरे गुप्ता जी है, उनको भी भेजा है, तो उसके लिए भी कार्यकर्ताओं को बधाई। और मैं आशा करता हूँ कि, और एक दूसरी बधाई और मैं देना चाहता हूँ, मैंने 1.5 वर्ष पहले ये सोचा था, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले मुझे 22 लोगों की एनी में बुलाकर अरविंद ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा था, सर जी आपको मारेंगे नहीं, आपको मारेंगे बस शहीद नहीं होने देंगे। तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि मैं अपनी शहादत स्वीकार करता हूँ। बस एक निवेदन करता हूँ कि युद्ध का भी एक छोटा सा नियम होता है, मैं तो आपका भाई हूँ, मित्र हूँ, कि शहीदों के शव से छेड़छाड़ नहीं की जाती। और मैं जानता हूँ आपकी इच्छा के बिना हमारे दल में कुछ होता नहीं है, आपसे असहमत रहकर वहाँ जीवित रहना बहुत मुश्किल है, और मैं अभी तक आंदोलन का हिस्सा हूँ, पार्टी का हिस्सा हूँ। तो मैं ये अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपने चारों तरफ के आम आदमियों को, मंत्रियों को, ट्विटर के वॉरियर्स को, लोगों को ये कह दें कि शहीद तो कर दिया कोई बात नहीं, पर शव के साथ छेड़छाड़ ना, ये तो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। आगे से कोई ऐसी दुर्गंध ना फैले तो मैं बधाई देता हूँ। और देश भर में जो करोड़ों शुभचिंतक, देश भर में जो लाखों कार्यकर्ता जो मेरे प्रति बहुत स्नेह से भरे हुए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और साफ तौर पर उनसे ये कहता हूँ कि सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो, चाहे गौतम बुद्ध, सबकी लड़ाइयाँ अकेली हैं, मैं अपनी लड़ रहा हूँ, आप अपनी लड़ रहे हैं। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इन दोनों महान क्रांतिकारियों को, जिनको चुनकर रामलीला मैदान की लड़ाई का प्रतिफल और निष्कर्ष नवनीत बनाकर आज देश के सर्वोच्च सदन में जहाँ कभी महनीय लोग बैठे हैं, जहाँ अटल जी जैसे और इंदिरा जी जैसे महनीय लोगों की आवाज गूंजी है, वहाँ भेजने के उन्होंने चुना गया है। मैं अरविंद को और पूरी पार्टी के जिन लोगों ने ये तय किया है उनको बहुत बहुत